दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्क्रॉस पेट्रोल लॉन्च हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वेरिएंट में आपको क्या क्या एडेड फीचर्स अपग्रेड मिलता है और कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा। अगर आप मारुति सुजुकी स्क्रॉस पेट्रोल लेने की प्लान बना रहे हैं या फिर सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू करते हैं बेस वेरिएंट सिग्मा से, जिसका 8.39 लाख एक शोरूम प्राइस है। इसमें आपको मैनुअल एसी, ऑल फोर पावर विंडो के बटन्स, वन टच अप एंड डाउन ड्राइवर साइड, सेंट्रल लॉकिंग, कीलेस एंट्री, सिक्स वे एडजस्टेबल फैब्रिक सीट्स, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओवर बीम्स, हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, स्टील रिम्स मिलते हैं। सेफ्टी फीचर के अंदर आपको दो एयरबैग, एबीएस प्लस ईबीडी प्लस ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स अक्रॉस द रेंज हर एक वेरिएंट में मिलता है। बढ़ते हैं डेल्टा वेरिएंट की ओर, जो सिग्मा वेरिएंट से 1,21,000 ज्यादा महंगा है। इसमें आपको फीचर अपग्रेड में मिलेगा ऑटोमेटिक एसी, टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ओवर बीम्स, इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनर, ग्लव बॉक्स लैंप, म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर आपको ऐड हो जाएगा, डिजिटल डिस्प्ले के साथ में 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा जो यूएसबी ऑक्स एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिलेंगे और साथ साथ में इस वेरिएंट के साथ में आपको एलॉय व्हील्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं जेटा वेरिएंट की ओर, जो सिग्मा वेरिएंट से मात्र 35,000 रुपए महंगा है। फीचर्स अपग्रेड में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा विद सेंसर्स मिलता है, 8 वे एडजस्टेबल सीट्स मिलते हैं, यानी कि ड्राइवर साइड सीट को आप अप एंड डाउन भी एडजस्ट कर सकते हैं, ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट आपको मिलता है, इंटीरियर क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलते हैं, साथ साथ में इस वेरिएंट से आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ साथ में वॉइस कमांड एंड 6 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम के साथ में आता है। अब बढ़ते हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की, जो कि है अल्फा, जो जेटा वेरिएंट से 1,21,000 रुपीस महंगा है। फीचर्स अपग्रेड में इसके अंदर आपको फुल्ली एलईडी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, कैबिन लैंप फ्रंट एंड रियर दोनों में मिलते हैं, एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलते हैं। अब जेटा से अल्फा में जाने के लिए आपको 1,21,000 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, मगर फीचर्स के मामले में उतना कुछ अपग्रेड फीचर्स आपको नहीं मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की और आपको बताते हैं कि इस गाड़ी के लिए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सी है। तो द ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्क्रॉस पेट्रोल की सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इसका जेटा वेरिएंट। वैसे तो अल्फा को छोड़कर सभी वेरिएंट अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, लेकिन जेटा वेरिएंट में आपको जरूरतमंद के सारे फीचर्स के साथ साथ में न्यू एज एंड एडवांस फीचर्स भी मिल जाते हैं। और अगर आप डेल्टा वेरिएंट से जेटा वेरिएंट में अपग्रेड करना चाहते हैं तो मात्र आपको 35,000 रुपए ज्यादा देने हैं, उसके बदले में आपको बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी मिलेंगे जेटा वेरिएंट के साथ में। अब आपको इस क्रॉस के कौन से वेरिएंट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लगा वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले से वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप गाड़ीगन कम्युनिटी के साथ में जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।